गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ड्राई सेल देखा था, तो दिस इज अ एग्जांपल फॉर ड्राई सेल। ठीक है, ये जो है वो क्या है, ड्राई सेल का एग्जांपल है। और दूसरा देखा था सेल होल्डर। सेल होल्डर बोला तो ये रहता है, इसमें हम लोग सेल चार्जिंग को लगाते हैं। तो हर एक बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल रहता है, बताया था ना मैंने। तो ये देखो, ये दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल। तो हम लोग ये सेल होल्डर में ऐसा चार्जिंग को लगा लेते हैं। सेल होल्डर में ये करके चार बैटरी एक साथ लगा के, या दो बैटरी ऐसा हम लोग लगा देते हैं चार्जिंग को। ठीक है, आए समझ में ये? तो ये पिछले बार हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। तो आज हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी जब वायर के थ्रू मैग्नेट ये जाता है, मैग्नेट का ही इफेक्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जब आयरन इसमें पास करते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है। तो कैसे होता है देखो, इसमें अभी ये जो है ये कंपास रखा हुआ है इधर, ये तो मालूम है ना किसके लिए यूज करते हैं कंपास। फॉर व्हाट पर्पस वी आर यूजिंग द कंपास? वी आर यूजिंग द कंपास फॉर डायरेक्शन पर्पस, इजंट इट? तो जो डायरेक्शन देखने के लिए हम कंपास यूज करते हैं। तो इसमें इसके थ्रू हम लोग बैटरी लगा के इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। तो क्या आएगा, जैसे मैग्नेट हम लोग कंपास के पास गए तो नीडल कैसे शिफ्ट होता है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होने के टाइम पे भी ये जो नीडल है वो भी चेंज होते रहेंगे, उसका डायरेक्शन जो है चेंज करते रहेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट आप लोग सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। जब बैटरी एक इसको नेल को कनेक्ट करेंगे तो जो नेल है उसमें क्या आएगा, जब वायर आप लोग ये करने का उसको वायर से टाई करने का, और वो जो वायर है वो दोनों एक पॉजिटिव सेल का पॉजिटिव टर्मिनल में और एक नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट करने का, तो जब वो आप लोग कनेक्ट करेंगे तो ये जो नेल है वो क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा और आयरन पे इसको अट्रैक्ट करते रहेंगे। जब आप लोग स्विच बंद करेंगे तो क्या होगा, ये जो नेल है वो उसका मैग्नेटिज्म नहीं रहता है, वो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, ये जो छोटा नेल है वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ये हम लोग सिक्स स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या रहता है। तो इसमें हम लोग करंट पास कर रहे, स्विच जो है इधर दिया हुआ है, तो स्विच के थ्रू हम लोग जब करंट पास करेंगे तो क्या होगा, ये जो नेल है आयरन नेल दैट विल बी ए मैग्नेट। ठीक, ओके। तो इतना आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास करेंगे आयरन नेल में तब वो मैग्नेट कैसे बन जाते हैं वो दिया है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज द वर्किंग ऑफ ए इलेक्ट्रिक बल्ब। इसमें कुछ डाउट है क्या किसी को, मैग्नेटिक इफेक्ट में जब भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कौन सा भी चीज के थ्रू पास करेंगे तो वो जो आयरन जो रहता है वो मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ दिस। एंड नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल तो आप लोग देखा रहेगा घर पे, जो इलेक्ट्रिक बेल रहता है उसमें कैसे फंक्शनिंग होता है वो दिया है इसमें। तो इसमें देखो, दो आयरन रॉड्स, दे हैव गिवन टू आयरन रॉड्स एंड दे आर स्ट्रिप विथ द कॉपर वायर। कॉपर वायर से उसको पूरा पैक किया हुआ है, दोनों साइड को पैक किया है, और वो जो कॉपर वायर है वो इधर से करके इधर एक स्विच रखा है, स्विच के थ्रू बैटरी लगाया हुआ है, इधर एक बैटरी है, दिख रहे आप लोगों को, एक स्विच है इधर और इधर बैटरी है। वो बैटरी कनेक्शन देखिए, इधर जो रॉड रखा हुआ है और रॉड के ऊपर से एक स्ट्राइकर रखा है, ठीक है, आयरन स्ट्रिप ही, ये पूरा आयरन स्ट्रिप ही है। तो ये जो स्क्रू, जो कॉन्ट्रैक्ट स्क्रू है, वो आयरन स्ट्रिप को जब टच करेंगे तो ये स्ट्राइकर जो है ये बेल को आके स्ट्राइक हो जाएगा, फिर आवाज आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल का हम लोग जब स्विच ऑन करते हैं तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद ऐसा पूरा इलेक्ट्रिसिटी ये जो कॉपर वायर के थ्रू पास होता है और स्विच में से बैटरी में जाता है, बैटरी में से इधर आके ये जो कॉन्ट्रैक्ट स्क्रू आयरन जो रहता है वो मैग्नेट हो जाता है, और मैग्नेटिज्म की वजह से वो ये कॉपर वायर अट्रैक्ट करते हैं उधर। ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करने के बाद ये जो स्ट्राइकर है वो बेल को आके ये करते हैंग करते हैं, तो गैंग आवाज आता है ना अपने को बेल में से, वो आवाज आता है। ठीक है, मैं आप लोगों को इसमें दिखा लेती हूँ, प्रैक्टिकली दिखा लेती हूँ। अभी ये देखो, दिस इज अ कॉपर वायर। ठीक है, ये कॉपर वायर है और ये जो रॉड है ये दिया है इसमें, और ये जो है ये आपका बॉल जो दिया, बेल जो दिया है ना बड़ा वाला, जो बॉल जैसा दिया है आपका टेक्स्ट बुक में, तो वो जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ बॉल ये है सपोज, और ये जो है मैग्नेटिक का ये कॉपर वायर से, कॉपर वायर जब इलेक्ट्रिसिटी पास होंगे तो मैग्नेट हो जाता है, मैग्नेट हो गए तो इसके बीच में का जो ये है उसको खींच लेते हैं अंदर, फिर जब स्विच ऑफ करते हैं तो वो फिर से उधर आके ये होता है। ये देखो, अभी मैंने ये स्विच ऑन किया, फॉर एग्जाम्पल ये स्विच ऑन किया तो क्या आएगा,
ये बैटरी जो है पीछे जाता है, जब ये स्विच बंद करते हैं तो उधर आके फिर से आवाज आता है। ठीक है, आए समझ में कैसे इलेक्ट्रिसिटी वर्क करते हैं? जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं, करेक्शन देते हैं, लाइट का कनेक्शन देते हैं स्विच में से, वो कनेक्शन के थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी किस में आता है? ये कॉपर वायर में आता है, और कॉपर वायर में से वो उसके अंदर का जो रॉड है रॉड में जाता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी जब बंद करते तो उसका जो मैग्नेटिज्म रिलीज होता है तो उधर आके फिर से टच करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिक बेल का वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, ये आप लोग पूरा ये टेक्स्ट बुक आप लोग पढ़ेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे वर्क होता है। तो इतना आया समझ में आप लोग? आप लोगों को समझ में आया है क्या पूरा? ओके, आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो।